आपके सांसद और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान पंचपत नाथ सिंह, विधायक श्री राज सिन्हा, विधायक श्री फूलचंद मंडल, श्रीमती रागिनी सिंह, जिलाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी और जिलाध्यक्ष जेडीयू श्री राजीव सिंह, जिलाध्यक्ष श्री नरेश पासवान लोजपा, श्री महावीर पासवान श्री दीपक जी और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं सचमुच आप लोगों के धैर्य की मैं दाद देता हूं कि चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मौजूद। वैसे इस बार के चुनाव में लगभग 100 से अधिक सार्वजनिक सभाओं को सारे देश में संबोधित कर चुका हूं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि चिलचिलाती धूप में भी लोग खड़े हों। लेकिन आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने अभिनंदन किया, मेरी तरफ से भी आप सभी का अभिनंदन है, आपको सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, 5 साल पहले आप लोगों ने केंद्र में हम लोगों की सरकार बनाई थी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 5 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। 5 वर्षों में भारत में ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। बहनों भाइयों, पहले भारत कुछ बोलता था तो बाहर के लोग, दुनिया के दूसरे देशों के लोग उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। ये मानते थे कि भारत ये गरीबों का देश है, भारत कमजोर है। अजीबोगरीब धारणा भारत के बारे में थी, गरीबों का देश है। लेकिन अब यह धारणा बदल चुकी है। मैं नहीं, सारे दुनिया के अर्थशास्त्री ही नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी यह मानने लगा है कि 5 वर्षों के अंदर भारत में करिश्माई काम हुआ है और इस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी स्वीकार कर लिया है और उसका भी यह मानना है अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो भारत 2014 में दुनिया के टॉप के 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों 4 वर्षों के अंदर ही आज 6ठे स्थान पर पहुंच गया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुछ सालों के बाद नहीं, यह हमारा भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में 5वें स्थान पर पहुंचने जा रहा है। और ऐसे ही हमारा भारत आगे बढ़ता रहा तो सारे अर्थशास्त्री दुनिया के मानते हैं कि 2030-2031 आते आते भारत दुनिया के 3 धनवान देश, ताकतवर देश, रूस, चीन और अमेरिका, उनमें से एक देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्री में आकर खड़ा हो जाएगा। यह भारत के बारे में सारी दुनिया में धारणा बनी। लोग यह कहते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन भारत के अंदर कैसे हुआ। बहनों भाइयों, इसकी सब पहले भी सरकारें रही हैं, सरकारों ने काम किया है, कोई अधिक किया है, कोई कम किया है, हर काम करने की सरकार की शैली होती है और हमारे भी सरकार के काम करने का तरीका है, काम करने की शैली। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, उदाहरण तो हमारे पास सैकड़ों हैं लेकिन घंटे भर का समय लगेगा सारा उदाहरण देने में, लेकिन मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखूंगा पिछली सरकारों के कामकाज की शैली और हमारे कामकाज की शैली में अंतर क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोगों ने प्रारंभ नहीं की, कांग्रेस ने प्रारंभ किया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, 2008 से लेकर 2014 तक उन्होंने 25 लाख आवास यानी मकान बनवाए और लोगों को आवंटित किए। 6 साल में 25 लाख बनवाए।
लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने 2004 से लेकर 2014 से लेकर 2018 तक मेरे बहनों भाइयों 1,30,00,000 मकान बनवाकर हम लोगों ने जनता के हवाले कर दिया। यह कांग्रेस की सरकार और हमारे सरकार के कामकाज में मौलिक अंतर, सबसे बड़ा अंतर। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1947 से लेकर 2014 तक सारी सरकारों ने 12 करोड़ गैस कनेक्शन भारतवासियों को दिए, लेकिन 13.5 करोड़ गैस कनेक्शन देने का काम किया। यह है हमारे सरकार के काम करने की शैली। क्या कभी सोचा था कि इस देश में कोई भी ऐसी सरकार आएगी, कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो इस बात की चिंता करेगा कि हमारे गरीब परिवार की माताएं बहन उन्हें लकड़ी जलाकर और अंगीठी जलाकर धुएं में खाना ना पकाना पड़े। धुएं के कारण तरह तरह की बीमारियां होती हैं, गंभीर बीमारियां भी होती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता कि मेरे बहनों भाइयों 2022 आते आते 3-3.5 वर्ष के अंदर हम लोग भारत में एक भी परिवार नहीं रहने देंगे जिसके पास अपना परिवार का छत सिर ढकने के लिए पक्का मकान न मुहैया हो, और एक भी परिवार ऐसा नहीं रहने देंगे जिस परिवार में लकड़ी जलाकर अथवा अंगूठी जलाकर खाना बनता होगा, उस गैस में उस घर में भी गैस सिलेंडर पहुंच जाए। इस हद तक जाकर हमारी सरकार ने चिंता की, यानी पिछली सरकारों में और हमारी सरकार की कामकाज में मौलिक अंतर है। सड़कों के निर्माण का जहां तक प्रश्न है, आप लोगों ने देखा होगा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही सारे देश में 4 लेन 6 लेन 8 लेन की सड़कों के निर्माण का सिलसिला प्रारंभ किया। बाद में कांग्रेस की सरकार आई, 10 वर्षों तक यह सरकार गई, प्रतिदिन नेशनल हाईवे की सड़कों का निर्माण कांग्रेस के शासनकाल 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों के शासनकाल में नेशनल हाईवे का निर्माण बहनों भाइयों 5, 7, 8, 10 किलोमीटर नहीं हो रहा है, प्रतिदिन प्रतिदिन हम लोग 30 से लेकर 32 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण कर। इसलिए हमारा भारत इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आजाद भारत के इतिहास में आप देखिए, जब जब भी चुनाव आया बराबर महंगाई मुद्दा बना है, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है जबकि चुनाव में महंगाई मुद्दा नहीं बनने पाया है। एक 2004 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और एक 2019 जब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हुए। बहनों भाई, इन दोनों चुनावों में महंगाई मुद्दा नहीं बनने पाया, जबकि हर चुनाव में महंगाई मुद्दा रहता था। जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में महंगाई 10-12% तक पहुंच जाती है, लेकिन हम लोगों ने महंगाई को केवल 2-3% के अंदर ही बांधे रखने में कामयाबी हासिल की। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है भारत पाकिस्तान की जो सीमा है बाघा बॉर्डर से, हम किसी भी सूरत में इस महंगाई को पाकिस्तान से भारत में नहीं प्रवेश करने देंगे। हमारे यहां महंगाई पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हमारा आर्थिक प्रबंधन, हिसाब किताब, इकोनॉमिक मैनेजमेंट इस तरीके का है, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी हम लोगों ने चोटें पहुंचाई है। बड़े बड़े पैसे वालों, इन लोगों ने छोटी छोटी कागज की पर्ची भेजकर बैंकों में पैसा दिलाया। अरे आपको आश्चर्य होगा कि 1947 से लेकर 2008 लगभग 60-61 वर्षों में केवल लोगों को 18 लाख करोड़ का कर्जा मिला था, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने। लेकिन 2008 से लेकर 2014 में 6 साल में 18 लाख करोड़ रुपया बढ़कर वह 52 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गया। लेकिन जब देखा उन सारे पूंजीपतियों ने, बड़े पैसे वालों ने, अब तो कांग्रेस की सरकार है कोई हर्ज नहीं, सीने का मटन खोलकर घूमते रहे,
लेकिन जब हम लोगों की सरकार आ गई उनको लगा सरकार बदल गई है, चौकन्ना चौकीदार आ गया है। तो बहनों भाइयों, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, यह सब जो है भारत छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में बन गए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, बचकर कोई नहीं जाने पाएगा। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति भारत में उनकी हम लोगों ने जब्त कर ली है, बेनामी संपत्ति को भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है। एक एक को पकड़ कर लाएंगे और एक एक पाई उनके पेट से निकालेंगे। बहनों भाइयों, आपको विश्वास है, भ्रष्टाचार पर डीबीटी सिस्टम आप लोगों के यहां है कि नहीं? डीबीटी जानते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कितने लोग जानते हैं? मैं बहुत कम लोग जानते हैं। अब ऐसा है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, यह जो बच्चों की स्कॉलरशिप पहले बिचौलियों के माध्यम से आपके पास आती थी, सब्सिडी, खाद की सब्सिडी, गैस की सब्सिडी, अब सीधे दिल्ली के बैंक से निकलती है और आपके गांव के बगल में, आपके मोहल्ले के बगल में जो आपका बैंक है जिसमें आपका खाता है, सीधे पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंच जाता है। पहले बिचौलियों के माध्यम से पहुंचता, आधा अधूरा पहुंचता। और आपको आश्चर्य होगा, यह सिस्टम लागू कर देने के कारण हम लोगों ने 4 साल में 1,10,000 करोड़ रुपए की बचत की है। बहनों भाई, 1,10,000 करोड़ की बचत की। यह कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए महंगाई नहीं बढ़ी, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाया। और इतना ही नहीं, भारत मेरे बहनों भाइयों तेजी के साथ आज यहां आगे बढ़ रहा है। कोई भारत अब ताकतवर भारत बन रहा है, भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। देखा नहीं आपने, कुछ ही महीने पहले कश्मीर के पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर फिदायीन हमला करके 42 जवानों को मार डाला। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों के साथ 2-3 लोगों के साथ बैठक की और बहनों भाइयों उसमें फैसला हुआ। उसके बाद हमारे वायुसेना के जवानों ने भारत की धरती से नहीं, पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। अब ये कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग ये पूछते हैं कि बताइए, यदि जाकर मारा वायुसेना के जवानों ने तो कितनों को मारा? बहनों भाइयों, बहादुर दुश्मन को मारने के बाद खड़े होकर लाशें गिनता है क्या? हमारे वायुसेना के जवानों को ऊपर से बम गिराकर यदि मारा तो खड़े होकर वहां पर हवाई जहाज ऊपर खड़ा करके गिनना चाहिए था 1, 2, 3, 4? अरे दो चार मारे जाते तब तो बतला भी देते, लेकिन इतने सारे मारे गए हैं तो कैसे बतला दे कितने मारे गए? और बहनों भाइयों, बहादुर जो होता है वो लाशें नहीं गिना करता, लाशें गिनने का काम ये गिद्धों का हुआ करता है, बहादुरों का नहीं होता है, गिद्ध लाशें गिना करता है। और ये तरह तरह के अनावश्यक सवाल पूछते रहते हैं। हमारे आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है उसको कमजोर करना चाहते हैं। कभी हिंदू आतंकवाद बोलेंगे, कभी कोई आतंकवाद बोलेंगे, भगवा आतंकवाद बोलेंगे। बहनों भाइयों, आतंकवाद आतंकवाद होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसे हिंदू मुस्लिम ईसाई से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन दुनिया की नजरों में आतंकवाद के खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं उसको कमजोर बनाने की बराबर इन लोगों ने कोशिश की। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, अब वो जमाना लग गया, अब भारत को आंख दिखाकर कोई दुनिया में बच नहीं सकता। बहनों भाई, हम लोगों की नीत पूरी तरह से साफ है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीमाओं पर भी हमने दो टूक आदेश दिया,
2014 के सितंबर में हमारे 5 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को पाकिस्तान ने गोली चलाकर मार दिया। उसके बाद मैंने 2-2 का आदेश दिया था कि आगे तक के लिए हमारा आदेश है कि अब पाकिस्तान को सफेद झंडा नहीं दिखाया जाएगा, बस इतनी सावधानी हम लोगों को बरतनी है, पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उधर से एक भी गोली चल जाती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, सीमा पर भी हालात बदले हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, भारत अब ताकतवर भारत हो गया। डोकलाम में नहीं देखा आपने, चीन भी रूस और अमेरिका की तरह दुनिया का धनवान देश है, ताकतवर देश है। डोकलाम में उसके साथ मामला फंस गया था, लोग कह रहे थे, सारी दुनिया यह सोच रही थी भारत अपना कदम पीछे हटा लेगा। हम लोगों ने कदम पीछे नहीं हटाया, मामला सुलझा तो बराबरी के स्तर पर सुलझा। बहन भाइयों, उनको भी पीछे जाना पड़ा, हम लोगों को जहां थे वहां आना पड़ा, मामला सुलझ गया। ऐसे देश चलाया जाता, घुटने टेक कर देश नहीं चलाया जाता। इन कांग्रेस के लोगों को हो क्या गया? ये कहते हमारी सरकार बनेगी तो राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि कोई भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है, भारत को तोड़ने की कोशिश करता है, क्या उसे माफ कर देना चाहिए? लेकिन यह कहते हैं कि हम आएंगे तो राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त कर दें। और बहनों भाइयों, ईमानदारी की बात तो यह है, हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे राष्ट्रद्रोह के कानून में कहीं पर कोई कमजोरी है तो उसे इतना ताकतवर, इतना सख्त बनाएंगे कि आगे राष्ट्रद्रोह करने वालों को राष्ट्रद्रोह कानून की याद आते ही उनके रूह कांप उठे। हम ऐसा कठोर कानून है। कश्मीर की समस्या का भी समाधान हो, कश्मीर की समस्या का भी समाधान होकर रहे। कश्मीर में 5 वर्षों में गृह मंत्री के रूप में जाने वाला सबसे अधिक जाने वाला व्यक्ति मैं, भारत के लिए दिल खोल कर मैंने रखा था कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करने को तैयार हैं, बात करना चाहते हो तो हमसे बात करिए। बात नहीं की और उसके बाद जो करते बनेगा वो सब हम लोग कर रहे हैं। रोज हमारे सेना और सुरक्षा के जवान 2-4-10 को जय श्री राम बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि देश में कोई बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं होने पाई और बहनों भाइयों, सिमट कर जम्मू कश्मीर में रह गई। आज नहीं तो कुछ ही वर्षों में समाप्त होकर रहे। पाकिस्तान भी अब कह रहा है कि हम भी आतंकवाद रोकना चाहते हैं, अब बोलना शुरू किया। अब देखेंगे चुनाव के बाद की क्या कर, क्या रवैया है। ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान को पाकिस्तान में गया था, मैं बोल कर आया, दुनिया के कई देशों की सार्क की मीटिंग थी, उसमें बोल कर मैं आया। मैंने कहा कि यदि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो मिलकर लड़ो, अकेले नहीं लड़ सकते हो तो भारत का, अपने पड़ोसी देश का सहयोग हो, हम सहयोग करने को तैयार है। लेकिन ईमानदारी हो तब ना, लेकिन ईमानदार होना पड़ेगा आतंकवाद के सवाल पर। बहनों भाइयों, ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों का सहयोग चाहिए। यहां पर कौन लोग हैं? कोल माइंस में काम करने वाले लोग हैं, कौन है? किसान लोग भी हैं? किसान नहीं है, किसान नहीं, मजदूर हैं। तो हम लोगों ने तय किया है श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को भी 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद उन्हें 3,000 रुपये हर महीने की पेंशन मुहैया कराई जाएगी।
या चलेगा चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा तो फिर हमारे पीएन सिंह को भी दौड़ा दो आप दिल्ली पे। वैसे यह मत समझना इस उम्र में भी वह दौड़ सकते हैं। क्योंकि पीएन सिंह जी को 25 साल पहले जैसा देखा होगा वैसा ही आज भी देख रहे हैं। रहेंगे सदैव इवरग्रीन है। लेकिन बहनों भाइयों इतना मैं कह सकता हूं आपका प्रत्याशी 10 कैरेट 15 कैरेट का नहीं है।